हाय गाइस नमस्ते, मैं यहाँ पे लियो के लिए नो कॉन्टैक्ट रीडिंग लेके आई हूँ। देखिए, ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। जिनसे रेजोनेट होती है उन्होंने ही रखना है, और जो कार्ड्स आते हैं वही मैं बताऊंगी, ओके। ये न्यू मून तक है, 17 जुलाई तक, ओके। तो आप तब तक आपकी आपके रिलेशन में क्या सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ओके। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरिट, टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ सॉर्ड्स। लियो, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, The High Priestess, wow. Death, Three of Wands, Ten of Wands, Knight of Cups, The Chariot, Three of Swords, Six of Cups, Five of Pentacles, Eight of Wands, eight की energy आई है, Four of Swords. गाइज यहाँ पे उनकी करंट सिचुएशन है, थोड़ी कंफ्यूजन की उनकी सिचुएशन चल रही है, और वो करियर को और अपने मनी को, फाइनेंशियल इसको वो थोड़ा सा देख रहे हैं। शायद उनके ऊपर कुछ लोन होगा या कुछ होगा, वो शायद उस चीज़ के लिए देख रहे हैं, या फाइनेंशियल थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, ये भी वो सोच रहे हैं करंट सिचुएशन में, ठीक है। बट आप यहाँ पे सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जस्टिस मिल गया, आपने खुद को यहाँ पे फ्रेश करते हुए दिख रहे हैं। आप उनके बारे में इतना यहाँ पे नहीं सोचते हुए दिख रहे हो, ठीक है। बट एक कभी कभी आपको बर्डन आता है उनका, बट यहाँ पे आप ना सबसे सीक्रेट छुपाना चाहते हो, आप नहीं बताना चाहते हो, और आप सिर्फ अपने करियर के ऊपर यहाँ पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। बट उनके थॉट्स में ये आ रहा है कि ये सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म कर दूँ और आगे की दुनिया वहाँ पे शुरू करूँ, ठीक है। ऐसा उनको लग रहा है कि यहाँ स्टार्ट न्यू जर्नी, कुछ यहाँ पे देखूँ नई दुनिया के लिए, वहाँ पे देखूँ, ये भी उनके दिल में आ रहा है। बट आप थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बर्डन लेते दिख रहे हो, शायद आपके करियर, आप एक्चुअली प्यार चाहते हो उनसे, यहाँ पे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आप उनका मैसेज रिसीव करना चाहते हो, आपको लगता है कि उन्होंने आपको मैसेज करना चाहिए, उन्होंने आपको देखना चाहिए, ओके। और शायद आप उसके लिए, आप उस चीज़ के लिए, आप पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हो कि उन्होंने, उनके तरफ से कुछ आए तो आप उसके लिए रेडी हो सकते हो, यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ओके। बट ये है कि नियरेस्ट फ्यूचर में देखो, द चैरिट का डबल एनर्जी आई है, द चैरिट की यहाँ पे डबल एनर्जी आई है, यहाँ पे 8-8 की भी आई है, 7-7 की भी आई है, ठीक है। तो ये आपके पास आएंगे, वो आना चाहते हैं आपके पास में, ठीक है, आपसे फिर से बात करने के लिए आना चाहते हैं, पर उनको थोड़ा डर लग रहा है कि आप उनका फिर से यहाँ पे दिल ना तोड़ दो या कुछ करो, इसलिए वो शायद यहाँ पे रुकी हुए से है, ठीक है। पर वो आएंगे आपके पास में, ओके, यहाँ पे क्योंकि डबल एनर्जी आ रही है द चैरिट की,
तो डेफिनेटली आएंगे, एक बार तो भी आएंगे। वो सोचेंगे कि चाहे जो भी हो, एक बार दिल टूट जाए क्या होगा, एक बार फाइनल आपको आएंगे, टच करेंगे। और आप जो है आप ना यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन में हो रहोगे, ठीक है, नियरेस्ट फ्यूचर में, यानी ये द न्यू मून तक की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे द न्यू मून तक आपका ऐसा रहेगा कि मैं कभी कभी आप उनकी यादें निकालोगे, जो जो अच्छी मेमोरीज है वो आपको कभी कभी याद आएंगी, और कभी कभी उन्होंने आपको कहाँ पे हर्ट किया ये भी याद आएगा। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ों में कंफ्यूज यहाँ पे होते हुए दिख रहे हो, दोनों चीज़ को आप टैकल कर रहे हो कि उन्होंने कितना हर्ट किया और उन्होंने कितना आपको प्यार किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ओके। तो ऐसा है थोड़ा सा, यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो आप लोग थोड़ा सा ये टाइम पीरियड कुछ जाए चला जाए, ओके। तो यहाँ पे आपकी आप ना ज्यादा मिस ऐसा लग रहा है, उनको मिस कर रहे हो, ठीक है, आप मिस कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो और आना चाहते हो, एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी आ रही है क्योंकि प्यार तो चाहते हो, वो भी चाहते हैं कि एक बार आपको आपको फिर से देख के आए कि आपके दुनिया में क्या चल रहा है, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि वो आपसे जरूर बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, कैसे भी करो वो आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे या कुछ तो भी करेंगे, वो आपको अप्रोच होंगे, ठीक है। वो एक बार फिर से देखेंगे कि हमने अपनी लाइफ जो है, जितना भी हमने साथ में अपना ये मीन्स साथ अपने दिन जो गए हैं, तो उसका क्या क्या रिजल्ट है, हमें आगे क्या करना चाहिए। तो एक बार आपसे उनसे बात जरूर होगी, यहाँ पे यही गाइडलाइन आ रही है, ठीक है। तो आप इसके बारे में बहुत बहुत सोचने वाले हो, ठीक है, वो भी सोचने वाले हैं और आप भी सोचने वाले हो, यानी आप दोनों सोच ही रहे हो, ठीक है। यही यहाँ पे एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पर भी यही फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और दोनों भी यही सोच रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। शायद यहाँ पे आपकी बात हो जाए ना, तो आपकी न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी यहाँ पे हो सकती है। पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है कि मे बी हो सकता है आपका आगे चल के अच्छे से बात हो सकती है। यस, आपको थोड़ा सा भुला देना है यहाँ पे कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया या क्या किया, ठीक है। वो चाहते हैं कि ये साइकिल कंप्लीट होके कुछ न्यू साइकिल, नई न्यू साइकिल आपके साथ में, जो गया सो गया, ठीक है, पर अभी फिर से आपके साथ में वो बात करना भी चाहते हैं, ओके। यानी फिर से आपके साथ में न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट, फ्रेश से आपके साथ में यहाँ पे जीना चाहते हैं आपके साथ, ओके। यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप भी चाहते हो उनके तरफ से प्यार का कोई मैसेज आए, यू आर ऑल्सो वेटिंग, यस। तो ये टाइम पीरियड है थोड़ा सा, 8 दिनों का, 10 दिनों का कुछ होगा, ओके। तो ये जैसे ही चला जाए, ओके, तो मे बी आपको कुछ मैसेज रिसीव होगा, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड नमस्ते।